नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। हम लोग ये कोण के बारे में बात कर रहे हैं। पहले हमने बताया जीवन रेखा और शीर्ष रेखा से बनने वाले को एक प्रथम कोण कहते हैं। फिर हमने बताया शीर्ष रेखा और स्वास्थ्य रेखा से बनने वाले को हम द्वितीय कोण कहते हैं। फिर हमने बताया, अब बता रहे हूँ कि ये देखो, ये और ये जीवन रेखा में गैप, जीवन रेखा और स्वास्थ्य रेखा में गैप हो, ये पूरा कोण नहीं होगा, ये तीसरा कोण होगा पूरा। ये अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है भैया, क्योंकि कुछ बुक में लिखा है कि स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा को काटती है तो गलत होता है, वैसे नहीं होता है। लेकिन ये रेखा, ये वाला चीज़ अगर गैप में है तो अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन ये गैप अगर बढ़ता जाएगा तब क्या होगा, हमें तो इस पर भी डिस्कस करना है। समझ में आ रही है? तब क्या होता है, यानी हम कहते हैं कि ये जीवन रेखा, ये सब बना हुआ है, लेकिन ये रेखा यूं है, इसमें गैप है, मान के चलो इतना ही गैप है। आपने देखा है कि ये जैसे फूला हुआ है, अब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, दीर्घ मतलब अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, क्या होगा? हृदय रेखा अच्छी हो तो क्या होगा, बुध अच्छा हो तो क्या होगा? वो कपिल शर्मा नाम यार बड़ा, यार इस ये हाजिर जवाब है यार, ये कुछ भी जवाब दे देता है। हाजिर जवाब होना, हाजिर जवाब होना गंदा नहीं है, कुछ भी बोला उसे मजाकिया तरीके, ये मजाकिया प्लस हाजिर जवाब, मजाकिया प्लस हाजिर जवाब, यानी बुध का पर्वत अगर उभरा है, अच्छा उभरा है, हृदय रेखा अच्छी है, ये कोण अलग चल रहा है तो ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, वो मजाकिया होगा, वो हाजिर जवाब होगा, वो आगे बढ़ सकता है, क्योंकि यही स्वास्थ्य रेखा बिजनेस लाइन बन जाएगी। वाह भैया वाह, कमाल हो गई पामिस्ट्री, कमाल हो गई, ऐसे भी होता है। जी हाँ, ऐसे भी होता है। हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं ये जीवन रेखा है, ये है, अब बुध क्षेत्र अच्छा है, अब क्या है, ये बुध क्षेत्र तक तो जा ही रही है, लेकिन इसका गैप ज़्यादा हो रहा है। दीर्घायु, दीर्घायु इसकी लंबी आयु होगी, बिजनेस अच्छा होगा, यहाँ स्पेस ज़्यादा है, उदारता होगी, उदारता होगी तो अच्छा बिजनेस होगा। वो कैसे होगा, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए करना, बहुत कुछ करना। आज अच्छा हमने कमाया है तो हम अपने बोनस देंगे सबको, आज हमने कमाया है लेकिन हम बोनस नहीं देंगे। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, देखो इसमें लोग कैसे कैसे होते हैं। एक मेरे पास कॉल आया, वो जंक कॉल आती है ना, जो मर्जी बोल देते हैं, जी लोन लेना है, लोन लेना है। तो एक फीमेल नौकरियाँ 10-10, 15-15 हज़ार की जो शुरुआत में करते हैं, ट्रेनर किसी भी कंपनी में, मेरे से कह रही है कि सर आपका सिविल जो है ना वो ख़राब हो जाएगा अगर आप हमसे लोन नहीं लोगे। मैंने कहा नहीं लूँगा तो ख़राब हो जाएगा? कह रही है हाँ लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि ना आपका जो है ये बस आप एक क्लिक करना और आपका लोन हो जाएगा। मैंने कहा मेरे को चाहिए ही नहीं, भगवान अच्छी ज़िंदगी बिता रहे। कह रहे नहीं नहीं वो सिविल ख़राब हो जाएगा फिर, नहीं तो हमारे पास रिपोर्ट है ना आपकी। मैंने कहा अच्छा कितने हज़ार की नौकरी कर रहे हो, किसी के कहने पर कर रहे हो? ये वो लोग हैं जो कि उनका बॉस जैसा कह रहा है वैसा करते जा रहे, जिसके कारण कुछ समझ नहीं रहे। अब वो बॉस को क्या है, और गलत सलस जैसे मर्जी करके ना मैं कमा लूँ तभी मैं दूंगा उन्हें, तो उदारता नहीं है उनके जीवन में, उनके बॉस के जीवन में उदारता कुछ नहीं आएगी। कहने का क्या भाव आ रहा है कि ये रेखा है तो वो व्यक्ति लाइफ में अपने बिजनेस को ऊपर उठाएगा, अच्छे ढंग से उठाएगा, ये लाइफ को जीना सिखाएगा, वो अपने अब एम्प्लॉय को एक स्पेस देगा, गलत सही की पहचान बताएगा, उनका साथ देगा, और नहीं होगा तो फिर यही तरीके होंगे कि आपका सिविल ख़राब कर देंगे।
मैंने कहा मैं तो फ़ोन से निकलने का मेरे को कोई ऑप्शन होता वहीं थप्पड़ मारता तुम्हें, 15,000 की नौकरी के लिए तुम लोग ये काम कर रहे हो, 20,000 की नौकरी के लिए कर रहे हो, और अगर गलती से मैंने तुमसे लोन ले लिया गलती से तो तुम तो जीना हराम कर दोगे। तो ये वो तो एक अलग मैटर है, बट लेकिन ये रेखा जितनी दूर है ये आयु को रिप्रेजेंट करेगी। ए सर पता नहीं क्या पामिस्ट्री हीलर जो मर्जी बताता रहता है, गड़म पगड़म पगड़म सगड़म, हम नहीं मानते हैं। चलो मत मानो, दिखाता हूँ। तृतीय कौन प्रायः स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा का स्पर्श नहीं करती, इस कारण से ये कोण पूरी तरह नहीं बनता। यदि दोनों रेखाओं के बीच में कुछ स्थान खुला हो जैसे ये खुला है तो स्वास्थ्य का लक्षण है, अच्छा लक्षण है। यदि दोनों रेखाओं से मिलने के स्थान पर थोड़ा अंतर हो, 20-25% का डिग्री बने, बुध क्षेत्र उत्तम हो, हाजिर जवाबी मजाकिया बात करने का स्वभाव होता है। है भैया लिखा है ये मजाकिया हाजिर जवाबी। यदि दोनों रेखाओं से मिलने वाले स्थान पर काफ़ी अंतर हो, स्वास्थ्य रेखा बुध क्षेत्र के ऊपर जाए तो व्यापार में सफलता प्राप्त होती है, उदार होता है, दीर्घायु होती है। इससे दीर्घायु भी तो होता है, कहाँ से हमने जीवन रेखा घूम के जाती है तो 100 साल होता है, 100 साल होता है, 100 साल होता है, किसने कह दिया भाई। लास्ट चीज क्या है, यदि लक्षण में किंतु स्वास्थ्य रेखा बुध रेखा पर ना जावे, अंगूठा प्रथम पर कमजोर होवे, शुक्र क्षेत्र उन्तव होवे, अब चरित्रहीन होवे, चरित्रहीनता का लक्षण है। सर ये क्या मतलब हुआ, देखो स्वास्थ्य रेखा बुध क्षेत्र पर ना जाए, यानी ये वाली रेखा बुध क्षेत्र, ये खाली स्थान तो है, स्पेस है, लेकिन बुध स्थान पर नहीं जा रही है। अब अंगूठा कमजोर है पहला, और दूसरा शुक्र क्षेत्र फूला हुआ है। शुक्र क्या कहता है, शुक्र कहता है मुझे कला के प्रति, मुझे सुंदरता के प्रति। अब सुंदरता किस चीज के लिए, लड़की के लड़के के लिए, लड़का का लड़के के लिए। अब यह कला नहीं आ रही यहां पर, यहां सेक्स आ गया है, वो सेक्स की पूर्ति नहीं कर पा रहा तो चरित्रहीन बन रहा है, चरित्रहीन बन रहा है। चरित्रहीन की डेफिनेशन बहुत होती है, वो अपने जज्बातों को कंट्रोल ना, जज्बात कहां से आते हैं, हृदय रेखा से आते हैं, हृदय रेखा से आते हैं, हृदय रेखा और माइंड लाइन की कमजोरी, हृदय रेखा और माइंड लाइन की कमजोरी। हमने पिछली एक चीज में समझा, मैं इसे थोड़ा सा समझाता हूँ, कैसे चरित्रहीनता के लक्षण को समझाता हूँ। देखो मैंने एक अभी पीछे एक वीडियो बना है तो मैंने उसमें ये बताया था, देखो हमने कहा था कि ये वाली जो माइंड लाइन है अगर इस रेखा से टच नहीं है, ऐसे चल रही है, तो ये आदमी गवार होगा, गवार है, समझते रहे ना, गवार का मतलब होता है जो समय के साथ ना चल पाए, ठीक है, समय के साथ ना चल पाए। अब ये है, समझते रहे ना, ये भी है, ये भी है, ठीक है, और वो कह रहा है बुध क्षेत्र पर ये जा नहीं रही, ये बुध क्षेत्र पर नहीं जा रही, और ये फूला हुआ है। अब क्या है कि वो बुद्धि से समझ नहीं पा रहा, हृदय से समझ नहीं पा रहा, ये गैप है कम, अब उदारता है नहीं उसके अंदर, तो ये क्या करेंगे, ये अब गलत एक्टिविटीज़ में आ जाएंगे, गलत एक्टिविटीज़ में आ जाएंगे। गलत एक्टिविटीज़ का क्या मतलब होता है, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। शुक्र एरिया फूला हुआ है, ठीक है, अब क्या है, ये यूँ चल रही है, ये यूँ चल रही है, ये मिली भी नहीं है, चलो ये मिली भी नहीं है, आप ये मानो यहीं तक है, मिली भी नहीं, ठीक है, ये मिली भी नहीं, कमियां हैं, और इसके अंदर ये रेखा गैप के साथ चल रही है। मैं दोबारा बनाकर दिखाता हूँ, ये तीसरे कोण के बारे में बात कर रहे हैं ना हम, ये कर रहे हैं, ये गैप है, ज़्यादा गैप है इसके अंदर, ठीक है, और ये फूला हुआ है, ये और ये ऐसे है। अब ये क्या करेगी, ये बहुत तरीके से चरित्रहीनता को रिप्रेजेंट करेगी। पैसों की कमी के कारण, पढ़ाई लिखाई अच्छी ना होने के कारण अब बिगड़ना शुरू, चरित्रहीन, समझ रहे हो। अब ये डेफिनेशन समझानी, कोई समझाना जरूरी है, कुछ भी हो सकता है,
लड़की चरित्रहीन नहीं हो सकती है, लड़का भी हो सकता। तो जरूरी नहीं है कि लड़की हो चरित्रहीन, लड़का भी होता है। ये स्पेस यहाँ पर है, ये ऊपर नहीं जा रही, ठीक है। बुध पर्वत दबा हुआ है, ठीक है, ये फूला हुआ है, हृदय रेखा में गैप नहीं है, वो टेढ़ी मेढ़ी चल रही है, तो दिक्कत तो आएंगी, चरित्रहीनता तो होगी होगी। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करना मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। एक प्रेमिका है, आप सोचते हो, देखा आपने, वो शादी के लिए गहने लेकर भाग गई, फिर दूसरी शादी करी फिर भाग गई, फिर तीसरी करी फिर भाग गई, देखा है ना, क्यों? उसे कुछ मतलब नहीं है, उसे पैसों से मतलब, उसे पीछे से कोई ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। बहुत बहुत उदाहरण है, ठीक है। ये रेखा अगर ऐसे बहुत लोगों के हाथों में, जो प्ले बॉय होते हैं ना, प्ले बॉय होते हैं ना, जो प्ले बॉय, उनके हाथों में ऐसी रेखा भी बनी होती है, ठीक है, ऐसी रेखा भी बनी होती है, और उसके कैटेगरी ये फुल लेवल पर बड़ा होगा। अब प्ले बॉय से उसने, अच्छा प्ले बॉय है, बहुत अच्छा प्ले बॉय, लेकिन शरीर बेच रहा है, शरीर बेच रहा है वो अपना, तो उसमें सूर्य रेखा की प्रधानता आ जाएगी, उसमें ये चुटिया बन जाएगी, ये चुटिया चुटिया बनती है ना। अब ये चुटिया तो मुझे नहीं बनानी आती है, बच्चे माँ बाप अपने बच्ची लड़कियों के बनाते हैं, वो जैसे चुटिया बनती है ना, ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, तो ये है सूर्य रेखा पर यव के निशानों से चेन बनना। तो उसका क्या है, पैसा तो दिलवा रही है, लेकिन गलत रास्तों से, गलत रास्तों से बनवाएगी। तो कैटेगरी तो बहुत है, उसमें क्या होता है, ये वाली रेखा जो होती है आपकी शादी की रेखा जो होती है, इसमें भी कमियां होती हैं, उसी से रेखाएं जो होती हैं ना टच हो जाती हैं, बहुत कुछ होता है उसके अंदर प्ले बॉय में। बट एनीवे, ये मैंने प्रमाण के साथ बताया आपको कि कौन 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 से कौन होते हैं। पहला कौन ये और ये पहला कौन है, दूसरा कौन शीर्ष रेखा और ये जुड़ी हुई रेखा, दूसरा कौन, तीसरा कौन कि ये तो होगा ही होगा, ये रेखा प्लस ये जुड़ा हुआ नहीं होगा, ये रेखा एक पे जा रही होगी एक पे नहीं जा रही होगी, उससे दीर्घायु भी होगी, सब कुछ होगा। तो ये तीन वीडियो में मैंने आपको समझाया कि अलग अलग तरीके से कैसे होता है, प्रमाण के साथ बताया आपको। एक बारी प्रमाण दोबारा देख लेते हैं। देखो तृतीय, यदि दोनों रेखाओं के मिलने पर थोड़ा अंतर हो तो हाजिर जवाबी मजाकिया, दोनों रेखाओं में काफ़ी अंतर हो बुध क्षेत्र पर ऊपर व्यापार में सफलता नहीं हो तो अंगूठा कमज़ोर हो और स्वास्थ्य रेखा बुध रेखा के पर ना जाए, शुक्र एरिया हो मजबूत हो, उभरा हो चरित्रहीनता होगी। जीवन स्वास्थ्य रेखा और जीवन रेखाओं पर छोटी छोटी रेखाओं से आड़ी रेखा कटी हुई हो कमज़ोर हो, सिर दर्द होगा, ठीक है। तो चीज़ें जो लिखी होती हैं उसके हिसाब से समझ कर आगे बढ़ना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट शुरू कीजिएगा, धन्यवाद।